भाई आप सब कैसे हो? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक रिक्शा आया है, थोड़ा करीब आ जाओ। रिक्शे में प्रॉब्लम क्या कर रही है आप भैया? से पूछते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है भैया, इसमें अपने आप को आवाज को कर कर किराउन से आने लगी, बहुत तेज आवाज, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो इनकी गाड़ी में देखिए प्रॉब्लम क्या है, इनकी गाड़ी में बहुत तेज आवाज आ रही है, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी सही भी करी है, जैसे हॉर्न लाइट है, इंडिकेटर है, और इनकी गाड़ी छोड़ पकड़ करती थी, और इनकी फुल वायरिंग भी डालना थी तो वो भी डाल दी, और बाकी ब्रेक शू हैंडल वायरिंग। तो ये जितने काम मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मैंने इलेक्ट्रीशियन कोर्स स्टार्ट कर दिया है, मैकेनिकल कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। जिस भाई को इलेक्ट्रीशियन बनना है, जिसको ये काम नहीं आता है कि हॉर्न कैसे बजाएंगे, लाइट कैसे चलाएंगे, गाड़ी आती है छोड़ पकड़ करती है, या मोटर कंट्रोलर के कनेक्शन कैसे हम मिलाएंगे और सेंसर कैसे चेंज करेंगे, तो ये सब कुछ आपको सीखना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, आप मुझसे कोर्स कर सकते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम पकड़ेंगे कैसे, कि आखिर ये क्राउन की है या फिर हमारे पहिए से आ रही है या फिर हमारे मोटर की आवाज़ है। तो सबसे पहले हम आवाज़ को अच्छे से बारीकी से सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पीछे चलते हैं, हम इसमें आवाज़ सुनते हैं। देखिए पहले हमने एक पहिया उठा लिया इसका, पहिया उठाने के बाद सबसे पहले हम चलाएंगे वहाँ से। चलाइए ज़रा, देखिए फुल चलाइए, फुल तो आपने देखा कितनी तेज इस पहिए से आवाज़ आ रही है, जैसे लग रहा है इस पहिए से आवाज़ आ रही है, या ऐसा भी लग रहा है कि मोटर से आवाज़ आ रही है, और ऐसा भी लग रहा है कि क्राउन से आवाज़ आ रही है। तो अगर इस पहिए से आवाज़ आ रही है तो फिर जब हम वाला पहिया उठाएंगे तो उस पहिए से आवाज़ नहीं आएगी, अगर इस पहिए में दिक्कत होगी। तो एक बार हम उधर से उठा के देख लेते हैं, जब उधर से भी अगर हमारी आवाज़ आती है तो इसका मतलब है या तो हमारे मोटर से आवाज़ आ रही है, मोटर की बैरिंगें कट गई हैं, शाफ्ट कट गई है, या फिर हमारे फिर क्राउन में दिक्कत है। तो ये सब कंफर्म करने के लिए पहले हम सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि इस पहिए से आवाज़ अगर आ रही है तो उस पहिए से नहीं आना चाहिए। अगर दोनों पहियों से आ रही है तो इसका मतलब पहियों में दिक्कत नहीं है। तो अब हम उधर वाली घोड़ी लगाएंगे, तो इधर से हम घोड़ी को हटा देंगे, ये घोड़ी को हमने निकाल लिया, अब उधर वाली लगाएंगे। अब देखिए चलाने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, कि देखिए उधर से आवाज़ आ रही थी, अगर उस पहिए में दिक्कत होती तो उधर ही से सिर्फ आवाज़ आएगी, इधर से नहीं आएगी। अगर इधर से भी वही आवाज़ आती तो इसका मतलब या तो मोटर हमारे मोटर की बैरिंगें कट गई हैं, या बैरिंग या मोटर में हमारा कोई फॉल्ट है, या फिर हमारे क्राउन में। तो इधर पहले एक बार चला के देखते, चलाइए ज़रा। तो आपने देखा दोनों पहियों को उठा के, हमने देखा दोनों तरफ से वही आवाज़ आ रही है जो उस पहिए से आ रही थी, वो इस पहिए से आ रही है। तो इसका मतलब है अगर पहिए में प्रॉब्लम होती तो एक ही पहिए से आती ना, तो दोनों पहियों से आ रही, तो इसका मतलब है या तो, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि पहियों से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों पहिए उठाने पर आवाज़ आ रही है। अब हमको क्या चेक करना है, अब इसका मोटर चेक करना है, मोटर खोल के चेक करेंगे। जब मोटर में अगर हमारी आवाज़ कोई नहीं निकली तो इसका मतलब है सिर्फ हमारे क्राउन में ही दिक्कत है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो अब इसका मोटर खोलेंगे, इसको हटाइए घोड़ी को। फॉल्ट पकड़ने का तरीका यही है, इस तरह से आपको फॉल्ट पकड़ना है। तो अब हम इसका खोलेंगे मोटर, गाड़ी को इस तरह से झुका लेंगे, और झुकाइए और, ठीक है, इस तरह से गाड़ी को झुका लेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से एक बढ़िया बेहतरीन कारीगर बनना, कि आपके पास गाड़ी आती है और फॉल्ट को कैसे पकड़ेंगे, और आपके पास गाड़ी आई है तो किस तरह से हम आवाज़ को पकड़ेंगे, कि आखिर इसमें आवाज़ किस चीज़ की आ रही है,
आखिर मोटर की आ रही है, क्राउन की आ रही है या पहिए से आ रही है। तो अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ही कम बजट में मैंने जो लोगों को सालों लगते हैं यानी कि 3-4 साल लगते हैं काम सीखने में, वो मैंने मात्र 15 से 20 दिन में सिखाने का वादा करा है कि इंशाल्लाह अगर आप कोर्स करते हैं तो उसमें सीख जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके दिमाग के ऊपर है, और मैं इतनी वीडियो यूट्यूब पे भी डालता हूँ तो कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको सीखने को मिलता होगा। तो इसी तरह से आप जब कोर्स कर लेंगे तो पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, कारीगर बन जाएंगे और आराम से अपनी दुकान करके काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मोटर हमने खोला, पहले दोनों पहिए चेक करें, अब मोटर चेक करेंगे। तो एक बार मोटर चला के देखते हैं, चलाइए मोटर, जरा मोटर चलाओ, एक सेकंड चलाइए। अब आपने देखा कि इसमें कितनी तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है। पहले दोनों पहियों को चेक करा तो पहियों में उसी तरह से दोनों तरफ से आवाज़ आ रही थी जिस तरह से एक पहिए में आ रही थी। और उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, रोक लो मोटर को, मैंने आपसे कहा था कि पहले मोटर खोलेंगे, अगर मोटर में आवाज़ नहीं निकली तो इसका मतलब है क्राउन में प्रॉब्लम है। तो अब हमारी आवाज़ देखिए सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, चलाओ जरा, इसका मतलब है जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे मोटर के अंदर है, ठीक है। तो मोटर इसका आवाज़ कर रहा है, देखिए कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है। तो इसकी जो बैरिंगें हैं वो कट गई हैं, बैरिंगों को चेंज करेंगे। और ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं कि मोटर की शाफ्ट कैसे चेंज करना है, इसकी बैरिंग कैसे चेंज करना है, तो आप मुझसे इलेक्ट्रीशियन कोर्स करिए, मैकेनिकल कोर्स करिए, इंशाल्लाह मैं आपको बढ़िया कारीगर बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इसी तरह से फॉल्ट को पकड़ने का तरीका मैंने बता दिया आपको। तो इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम निकली है वो प्रॉब्लम हमारी मोटर की है, ठीक है, मोटर में आवाज़ है।